अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक आपको ब्लू स्टार डिफ्यूज़र है, 340 लीटर का है डिफ्यूज़र है। ये डिफ्यूज़र आपको आपको देखे बाद है गैस कम है। ये आपको दो बार गैस चार्जिंग करे के थे, ये होया नहीं। मैं आपको देखे बाद है गैस कम है, गैस कहाँ लीक हुआ तो बॉडी पाइप लीक है। ये बॉडी पाइप लीक हो गया बाद क्या कर सकते नहीं, उसे नया से मैं फ्रिज फ्रीजर अंदाल को बनाता हूँ। कैसा कूलिंग आता है, कैसा अच्छा है या नहीं है देखो। तुम अगर मालूम है तो स्किप कर डालो, अब एक वीडियो चल जाओ। ये फ्रिज है, ये डी फ्रीजर है, ये इसका कंपास है, कंपोशन कर दो। इसमें ऑयल भी कम है, वो ऑयल भी बदलवा देता हूँ। मैं यहाँ को कंडेंसर है क्लीन करता हूँ, ये टिनर से से क्लीन करो। ये कम अच्छा टिनर है, कहीं का तो ये 12 साल की फ्रिज है, अच्छा डस्ट जम जा होता। ये क्लीन करे तो चौक हो सका होता। इसमें रखो, मैं कैसा करता हूँ देखो। फिर मैं गैस भी से क्लीन करता हूँ। टिनर से जरूर क्लीन करो, क्लीन करे तो कंडेंसर क्लीन में है तो तुम्हारा चौक होता नहीं। मुझे तेलुगु आता, हिंदी आता, उर्दू भी आता। ये आपको वीडियो जरा ज़्यादा लेंथ होया, उसको जल्दी जल्दी काटता हूँ। एक डब्बा लो, टिनर चले बाद इधर साइड आता, वो डब्बे में पड़ जाता। अब आपको मैं गैस छोड़ू, गैस छोड़ को टिनर से भी इसमें इसमें को भेज डालू। वो टिन्नर से भी यूज़ करूँ, कम जरा बचा वो सुबह तुम्हें ऐसा क्लीन करने बोलता हूँ। वो सुबह देख नीट से दिखाना होगा तो लेंथ बहुत हुआ था वीडियो, तुम्हें उतना सेप देखते हो तो मैं रखता हूँ। मुझे लेख देखने कम है, देखना नहीं है। देखो गैस सिलेंडर से मैं गैस क्लीन करा उसको करना सर। बाद आपको पाइप नीट से एम ए पेपर से मान लो, तो मैं छोटा लॉजिक बोलता हूँ, एम ए पेपर से मारे सामने हीट करो वो पाइप को, उसके ऊपर है सो डस्ट से भी निकल जाता, तब एम ए पेपर से मारो तब नीट से वेल्डिंग पड़ता। ये सीक्रेट मैं बहुत साल से करता हूँ। वेल्डिंग मारना अलग है, लीक का ऐसा मारना अलग है, वेल्डिंग लीक आ जाता नहीं। तो हीट करो बाद एम ए पेपर मारो, एम ए पेपर मारे तो जरूर वेल्डिंग नीट से पड़ता। ये कंपास को
ये डिस्चार्ज पाइप का पाइप काट देता हूँ, आयरन पाइप होगा, हीट कर को काट देता हूँ। पहला आगे एमी पेपर से मारियो, इधर आगे पिन वाल डाल जो, ये भी ये पुराना पिन वाल डाल को है, उसे फिर नीट से मारो, फिर वेल्डिंग नीट से मार डालता हूँ। बाद आगे इसमें एक आयल काट डालता हूँ, इसमें आयल भी कम है, एक 100 ग्राम भी, 100 ग्राम का एक है यहाँ, और उसे 250 ml आयल चढ़ता। त्रिशन पाइप है, वो पाइप लगा को डिस्चार्ज पाइप को वेल्डिंग मारता हूँ। पिन वाल में, पिन वाल नहीं सर, देख लो जो आयल काटता हूँ उसमें का देखता हूँ आयल कैसा है, अच्छा है नहीं को आयल परवाह नहीं, जर बदल को है तो आयल कम है इसमें, सुबह भी काटे बाद है। जो उसमें है सो आयल 100 ग्राम भी नहीं, आयल फिर अब एक बार मैं कंडेंसर फ्लश आउट मारता हूँ मेरा कंपास से, ड्राई होया ना वो सुबह आको कंडेंसर में टिंडर चलाया है नहीं क्या, वो आको ड्राई हो जाना, ड्राई हो गया तो तुम्हारा कंडेंसर में थेम है या नहीं, उसके बाद से जहाँ फ्रेश आउट मारता हूँ। फ्रेश आउट होने बाद मैं गया इसमें आयल चढ़ाता हूँ, वो आयल कैसे चढ़ाना होगा तो मेरे पीछे वीडियो है, कंपास में ऑन करी सर आयल कैसे चढ़ाना, वो वीडियो देखो, मुझे सब्सक्राइब कर लो, कर ले तो तुम्हारे साथ मेरे है से वीडियो आंसू भी तुम्हारे आते रहते हैं, ये वीडियो भी है मैं यहाँ को उसमें टॉपिक क्या बात कर रहा नहीं, म्यूजिक रख को छोड़ डाली हूँ इसलिए अभी ये टॉपिक बोलिंग वर्ड से भीड़ है।
करता हूँ। हो गया, ये डिच्चा जो व्हीलिंग मारता हूँ। వెల్లింగ్ మార్వాలు అవి కండెన్సర్క ఫిల్టర్ కనుక కాపర్ పైప్ 316 పైప్ వెల్లింగ్ మార్తాను సార్ అవి వెల్లింగ్ హోగా ఫిల్టర్ ఏ డీ ఫీజర్ బడా ఫిల్టర్ దాలు फ्रिज का फिल्टर दानों को कई के वास्ते का तो चौक होते बड़ी फ्रीजर है फिल्टर है तो तुम चौक होने कम चौक की जो मेन होते सो लागू टू साइड वैक्यूम करो टू साइड फिल्टर साइड भी कंपर साइड कंडेंसर कंपर्स है दो को देने करो सेक्शन डिस्चार्ज एक साइड इज करते एक साइड करो तो तुम्हारा प्रॉब्लम ही समझ पड़ता है। मैं दो साइड करता हूँ इसे दो फीजर आंदो लियो सैमसंग के इसे डबल फीडिंग करूँ मैं डबल फीडिंग का तो दो कैप ले रहे इसे आगे डबल फीडिंग है 3-6 कैप ले रही डाले सो आते इस वीडियो में कैप ले रही नहीं सका गैस चार्जिंग कैसा कूलिंग आता वो कूलिंग कैप ले रही क्या करता कैप लेरी ज़्यादा डाले तो क्या होता कम डाले तो क्या होता कंडेंसर ज़्यादा डाले तो क्या होता कम डाले तो क्या होता आते इस वीडियो में मैं रखता हूँ। सब्सक्राइब कर लो मेरे आते इस सुबह वीडियो में देखो ज़रा लाइक करो। अभी मुझे इंटरेस्ट आता अभी चार वीडियो रखना होगा तुम्हें फिल्टर करने वेलिंग मारो 1/4 टाइप को मैं मारे आसो फिल्टर करने का वो तो दो कैप लेने एकदम घुसते नहीं उसे सेपरेट 1/4 पाइप रख लो दिए सैमसंग फ्रीजर है ये दो फ्रीजर है सेम डबल कैपलेट एक आगे ऊपर रखी हूँ फ्रीजर है एक आगे नीचे रखी हूँ दो भी आगे मल्टी मिला हाफ इंच पाइप डाल को मिला 3/8 पाइप खींचू हाँ होल मार लूँ साइड में कैपलरी का को साइड नीचे से मारे हाँ ये फ्रीज रहा इसका टेम्परेचर परवाह नहीं अच्छा से आता नहीं कहता अब फ्रीजर पाइप पे भी लपट को कर दिया था मैं वो पाइप भी कर को हूँ वो वीडियो काटा नहीं मैं अब एक पाइप ज्यादा कास्ट हो जाओ
पाइप कॉपर पाइप डाल को यूज़ करेगा तो कस्टमर को ज्यादा भात उसको वास्ते फेजरा दाल को बनाए वेल्डिंग सेक्शन मिला होता हूँ। वेल्डिंग करवाए के बाद वैक्यूम करके गैस चलाते वैक्यूम कर दो। वो वैक्यूम दिखाया नहीं, उसका हेड प्रेशर 200 है, 134 गैस है। मशीन ऑन कर दो। जबरदस्त कूलिंग आता है। ये जरा नीट से पैक कर लो। कंप्लीट हो गया। फिल्टर का नहीं पिंचिंग लगा लूँ। नीट से हो गया। लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, बंद कर दाली। आते इस वीडियो देखो।